हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर वन होता है तो उस वक्त किस तरह रेस्पॉन्स करते हैं इंडियंस और नेशनलिस्ट। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, और आज का टॉपिक है नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन। तो 1914 से 1919 के बीच में जो कुछ होता है उसे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो ब्रिटेन जो है उसके साथ कुछ कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि फ्रांस, रसिया, यूएसए, इटली और जापान। तो ये लोग एक साथ मिलके कहलाते हैं अलाइज फोर्सेस। अगेंस्ट ये लोग किसके अगेंस्ट में होते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और टर्की का एक ग्रुप होता है जिन्हें एक्सिस फोर्सेस बोला जाता है। तो इट वॉज अलाइज वर्सेस एक्सिस। तो ये जो युद्ध हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके रेस्पॉन्स में जो नेशनलिस्ट ने रेस्पॉन्स दिया वो थ्री फोल्ड था। तो जो मॉडरेट्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि वो उसको अपना ड्यूटी समझते थे इस वॉर में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे कि तिलक, ये लोग भी वॉर को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन के तरफ से, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो ब्रिटेन को अभी वॉर में मदद करेंगे तो बाद में ब्रिटेन जो है इंडिया का लॉयलिटी को देख के कुछ इंडिया को इंडिपेंडेंस या कुछ डोमिनियन स्टेटस दे देगी, ऐसा उम्मीद में। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो मिलिटेंट हीरोइज्म में बिलीव करते थे, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मिला है कि ब्रिटिश के ऊपर वॉर हुआ है, तो इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाकर कंट्री को फ्रीडम दिलाने का कोशिश करते हैं ये रिवॉल्यूशनरीज। तो जो इंडियन सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स थे, वो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को इस वॉर में, वो यह नहीं देख पा रहे थे कि ये एक इंपीरियलिस्ट वॉर है। हर कोई यहाँ पे इसलिए लड़ रहा है ताकि वो खुद के कॉलोनी को बचा सके, ना कि उसको फ्रीडम दे सके। तो इट वॉज ए कॉलोनियल वॉर। इसी बीच शुरू होता है जो रेस्पॉन्स था वो था होम रूल लीग मूवमेंट। स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर वन के बीच में ही। तो ये जो होम रूल लीग मूवमेंट हुआ स्टार्ट, इट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एज अ रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के रेस्पॉन्स में ही स्टार्ट हुआ गया किया गया था इन 1916, सबसे पहले बाय बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो कुछ और प्रोमिनेंट लीडर्स जो जुड़े हुए थे तुम्हारा होम रूल लीग मूवमेंट से, वो थे जी एस खोरपड़े, सर सुब्रमण्य अय्यर, जोसेफ बप्तिस्ता एंड मोहम्मद अली जिन्ना भी, जो डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल फॉर इंडिया, खुद का रूल डिमांड कर रहे थे इंडिया में, नॉट ब्रिटिश रूल। तो एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी वो। जब भारत आती है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के टच में आती है भारत में। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था भारत में, ये बिलीव करता था कि इंडियन रिलीजन और जो कल्चर है ये सबसे प्योरेस्ट है पूरा वर्ल्ड में, और इसके जो मेंबर्स थे वो फेथ रखते थे तुम्हारा सुपर नेचुरल पावर्स में भी। 1893 में वो जब इंडिया आई एज ए तुम्हारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड, तो वो स्प्रेड करती है ब्रांचेस ऑफ दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी जगह भारत में। और जब वो ये सब कर रही थी तो उन्हें देखने को मिला कि भारतीयों का कंडीशन काफी खराब, इट वॉज मिजरेबल कंडीशन फॉर इंडियंस, और उनके प्रति एक सिंपैथी डेवलप कर लेती है एनी बेसेंट। तो वो चाहती थी कि एक सॉल्यूशन हो, ये जो मिजरीज है इंडिया का ये खत्म हो, लेकिन उसे पता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो कुछ देने वाले नहीं है इंडियंस को। तो वो क्या करती है, वो स्टार्ट करती है डिमांड ऑफ सेल्फ रूल और होम रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, बोले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रहो लेकिन खुद का रूल चलाओ। शी बिलीव्ड दैट बेस्ड ऑन द आयरिश मॉडल, आयरिश में भी ऐसा ही कुछ था, आयरलैंड में मॉडल होम रूल मूवमेंट वहां भी चला था और वहां पे भी तुम्हारा उनका सेल्फ रूल था अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, उसी तरह कुछ वो बोलती है कि इंडियंस को भी स्टार्ट करना चाहिए एक होम रूल मूवमेंट टू डिमांड द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर देमसेल्फ्स। तो कह सकते हैं कि इट वॉज हर आइडिया टू एस्टेब्लिश द इंडियन होम रूल लीग। आगे देखते हैं, एनी को पता था कि ये जो होम रूल का डिमांड है ये सक्सीड नहीं करेगा अगर एक्सट्रीमिस्ट नहीं ज्वाइन बैक करते हैं तुम्हारा कांग्रेस को। तो 1914 में तिलक को छोड़ दिया जाता है आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ जेल फ्रॉम बर्मा, और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उनसे एक साइन करवाती है बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर, एक साल तक वो अच्छा बिहेव करेंगे। लेकिन ये जो गुड बिहेवियर, इसको डिफाइन नहीं करती किसको गुड बिहेवियर बोलेंगे, किसे बैड बिहेवियर बोलेंगे, ये डिफाइन नहीं करती है ब्रिटिशर्स। दिसंबर 1914 कांग्रेस सेशन होता है। इस सेशन में ये प्रपोज किया जाता है फाइनली कि एक्सट्रीमिस्ट को अलाउ किया जाए टू रिज्वाइन द कांग्रेस, लेकिन
जो लात घुसा चला था सूरत स्प्लिट में फिरोज शाह मेहता के ऊपर, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस। तिलक और एनी बेसेंट काफी डिसअपॉइंट होते हैं इस डिसीजन से। उसके बाद तिलक क्या करते हैं कि अब मॉडरेट्स को जो है उसको तो खुश करना पड़ेगा, और उनको खुश करने के लिए जानबूझ के तिलक क्या करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देना शुरू करते हैं ताकि मॉडरेट्स को पैसिफाई किया जा सके। वो बोलते हैं कि जो स्वराज का डिमांड हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब है सेल्फ रूल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहे ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालो, ए फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया विद इन ब्रिटिश एम्पायर हम लोग डिमांड करते हैं बाय द डिमांड ऑफ स्वराज। बाय नाउ और अभी तक अगर सेल्फ गवर्नमेंट का कोई डिमांड करता है तो वो अंडर द परव्यू ऑफ सेडिशन देशद्रोह के अंदर नहीं आएगा, अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। तिलक अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि जो मॉडरेट्स का प्रोपागेंडा है उसी को प्रमोट करो, और ये जो स्टेप लेते हैं तिलक, इसे मॉडरेट्स बिलीव कर जाते हैं कि तिलक जो है जेल से निकलने के बाद एक चेंज्ड मैन है, और मॉडरेट्स खुश हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि तिलक का ये सब सोचा समझा प्लान। 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, तो दिसंबर 1915 के कांग्रेस सेशन इन बॉम्बे, यहाँ पे डिसाइड करते हैं ये लोग कि एक्सट्रीमिस्ट को रिज्वाइन करवाएंगे कांग्रेस में अगले सेशन में। यहाँ पे बस डिसीजन ले लिया गया है, अब ज्वाइन तो अगले सेशन में करेंगे लोग। लेकिन इस सेशन में तिलक और एनी बेसेंट एक ज्वाइंट डिमांड रखते हैं कांग्रेस के आगे कि उन कांग्रेस जो है होम रूल लीग मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च करे। लेकिन फिर भी कुछ मॉडरेट्स ऑलरेडी थे तुम्हारे कांग्रेस में, वो बोलता कि नहीं नहीं अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई इसका नीड महसूस नहीं होता इन मॉडरेट्स को। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है तिलक और एनी बेसेंट का डिमांड। तब फिर एनी बेसेंट क्या करती है, दो अल्टरनेटिव डिमांड रखती है कांग्रेस के आगे। बोलती है कि कांग्रेस अगर ये लॉन्च नहीं कर सकती होम रूल मूवमेंट फॉर्मली, तो कांग्रेस को क्या करना होगा, कांग्रेस लॉन्च करेगी एक एजुकेटिव प्रोपेगेंडा अमंग द मासेस को एजुकेट करना, और कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन विलेज लेवल तक रिस्ट्रक्चर होगा, मतलब विलेज कांग्रेसियल कमिटी तक बनेगा। अब मॉडरेट जो है वो ये दोनों डिमांड एनी बेसेंट का मान लेते हैं, ठीक है हम ये दोनों डिमांड फुलफिल करेंगे। एनी बेसेंट एक कंडीशन रखती है कि अगर मॉडरेट्स ये दो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए बाय सितंबर 1916, तो एनी बेसेंट फ्री होगी टू लॉन्च खुद का होम रूल लीग मूवमेंट, और मॉडरेट्स इसके ऊपर एग्री करेंगे, और मॉडरेट्स एग्री कर भी गए कि अगर वो लोग फेल कर गए वो दोनों डिमांड फुलफिल करने में, तो एनी बेसेंट विल बी अलाउड टू लॉन्च हर ओन होम रूल लीग मूवमेंट। लेकिन तिलक तो अभी तक कांग्रेस में थे नहीं, और तिलक इस चीज से बाउंड थे भी नहीं, तो तिलक के ऊपर ये एफोरसेड कंडीशन लागू नहीं होता था। इसलिए बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी सेशन होता है बेलगांव में इन अप्रैल 1916। तिलक डिसाइड करते हैं कि वो खुद का होम रूल लीग अब स्टार्ट करेंगे और उसका हेडक्वार्टर पुणे में एस्टेब्लिश करते हैं। उन्होंने 6 ब्रांचेस अपना मूवमेंट का होम रूल लीग का खोला था 4 प्रोविंसेस में। बॉम्बे प्रोविंस था उस समय, तो बॉम्बे प्रोविंस में खोला, लेकिन बॉम्बे सिटी में उन्होंने नहीं खोला अपना ब्रांच। सेंट्रल प्रोविंस, कर्नाटका और बराग नामक प्रोविंसेस में भी उन्होंने अपना ब्रांचेस खोला होम रूल लीग का। तिलक पैम्पलेट्स इशू किया करते थे अलग अलग लैंग्वेजेस में, और उनका 2 न्यूज़पेपर भी था, केसरी और महारट्टा, जिसके थ्रू वो कंडक्ट करते थे अपना होम रूल का प्रोपेगेंडा, और उनका वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी था अपना होम रूल लीग का। 23 जुलाई 1916 का बात है, 23 जुलाई 1916 ये तिलक का 60th बर्थडे रहता है, और उनके सपोर्टर्स उनके लिए 1,00,000 रुपया जमा करता है फॉर गिफ्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोचती है क्यों ना कुछ गिफ्ट दिया जाए तिलक को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्व करती है एक नोटिस तिलक को और बोलते है कि आपने जो गुड बिहेवियर का बॉन्ड है उसको वायलेट किया है, इसलिए आपको 60,000 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। तो तिलक इसके रेस्पॉन्स में केस फाइल कर देते हैं कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में इस चार्ज के अगेंस्ट, बट वो केस हार जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद तिलक क्या करते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में अपील करते हैं, और हाईकोर्ट में तिलक का केस लड़ते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना इतने अच्छे लॉयर थे कि वो तिलक का केस इस हाईकोर्ट में जीत जाते हैं, एंड इट बिकेम अ मूवमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर तिलक फॉलोअर्स। फिर सेप्टेम्बर 1916 आ जाता है, वो डेट जो एनी बेसेंट ने सेट किया था कांग्रेस के लिए, और एज वॉज एक्सपेक्टेड जो मॉडरेट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं कोई भी 2 डिमांड एनी बेसेंट का, और उसके बाद वो खुद का होम रूल लीग स्टैब्लिश करती है। पहले तिलक स्टार्ट किया होम रूल लीग, फिर एनी स्टार्ट करती है अपना होम रूल लीग।
तो वो अपना हेडक्वार्टर अड्यार नामक जगह मद्रास में वहां पर सेटअप करती है, मोर देन 200 ब्रांचेस वहां पे सेटअप करती है एनी बिसेंट, लेकिन जो मेंबर्स थे वो तिलक से हाफ थे। तिलक का भले ब्रांचेस कम थे लेकिन मेंबर्स ज्यादा थे, एनी बिसेंट के ब्रांचेस ज्यादा थे लेकिन मेंबर्स हाफ थे तिलक के। एनी बिसेंट को असिस्ट कर रहे थे जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया, सीपी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब। उनका भी दो न्यूज़पेपर चल रहा था टू प्रोपगेट हर ओन वॉइस, जैसे कि न्यू इंडिया और कॉमन विल नामक, जिसमें अरुण डल क्या करते थे कॉलम लिखा करते थे न्यू इंडिया में। और सिर्फ यही एक न्यूज़पेपर ही एक चैनल था एनी बिसेंट के होम रूल के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। तो बहुत सारे मॉडरेट्स बाद में होम रूल लीग एजिटेशन ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं तुम्हारा होम रूल लीग। और मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया जाता है बॉम्बे डिवीजन होम रूल लीग चलाने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मिन्स जो थे वो अपन ऑफ साउथ इंडिया वो ज्वाइन नहीं करते हैं ये होम रूल, क्योंकि वो लोग सोचते थे होम रूल का मतलब है रूल ऑफ हिंदू मेजोरिटी, कि हिंदू मेजोरिटी रूल करेगी। तो इनको समझ में ही नहीं आया था होम रूल क्या है, इनके मतलब से यही था रूल ऑफ हिंदू मेजोरिटी। और उसमें से भी ये लोग सोचते थे कि हिंदू मेजोरिटी का मतलब क्या, हाई कास्ट ऑफ हिंदूज का रूल। तो ये लोग गलत इंटरप्रेट कर लिए थे होम रूल लीग को। इसी बीच होता है तुम्हारा अगला सेशन ऑफ कांग्रेस, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 में होता है। इस सेशन में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, ये भी एक मॉडरेट है। लेकिन इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को फाइनली रीएडमिट कर लिया जाता है कांग्रेस में। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स काम आते हैं जिसके कारण रीयूनियन होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, जैसे कि पुराने कॉन्ट्रोवर्सीज जो थे तुम्हारा स्वदेशी बॉयकॉट वाला को लेके बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो अब मीनिंगलेस हो चुका था, वो तो खत्म हो चुका था। फिर दोनों पार्टी रियलाइज करते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो सूरत स्प्लिट हुआ उसके कारण पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हो गया था, इतने सालों तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चल ही नहीं रहा था। फिर एफर्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक फॉर यूनियन, इन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाया था यूनियन के लिए। प्लस डेथ ऑफ टू मॉडरेट्स, फिरोज सा मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, जो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट का एंट्री कांग्रेस में, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला भी नहीं था इनका एंट्री को। इसी बीच इसी सेशन में लखनऊ सेशन में ही एक पैक्ट साइन होता है, उसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। तो ये पैक्ट जो साइन होता है डेट वॉज बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इस लखनऊ सेशन में दोनों प्रेजेंट करते हैं एक ज्वाइंट डिमांड, बोलते हैं अब हम लोग ब्रिटिश के सामने दोनों पार्टी जो है ज्वाइंट डिमांड रखेंगे। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे एग्री कर जाती है कि एक प्रेजेंट ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट के सामने। क्यों क्यों ऐसे एग्री कर जाती है मुस्लिम लीग, क्योंकि कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेता है मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, मतलब अगर मुस्लिम खड़ा तो सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, वैसा टाइप का सेपरेट इलेक्टोरेट को एग्री कर जाती है तुम्हारा कांग्रेस भी। एंड ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर एट सेंटर, और एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए तुम्हारा लेजिस्लेचर में सेंटर और प्रोविंशियल लेवल्स पे, जैसे तुम्हारा आज का है लोकसभा है और विधानसभा। तो कुछ जॉइंट डिमांड्स जो पुट फॉरवर्ड करती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके गवर्नमेंट के सामने, वो कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट देगी तुम्हारा इंडिया को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एक्सपेंशन होगा और इलेक्टेड मेजोरिटी को पावर दिया जाएगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा उसका टर्म 5 साल होगा, जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जो ब्रिटेन में रहते हैं उसे ब्रिटिश ट्रेजरी से दिया जाएगा, ट्रेजरी से दिया जाएगा, इंडियन ट्रेजरी से नहीं दिया जाएगा, और हाफ ऑफ वाइसराय और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स शुड बी इंडियंस, ऐसा कुछ डिमांड पुट फॉरवर्ड होता है तुम्हारा गवर्नमेंट के सामने जॉइंट डिमांड लखनऊ सेशन में। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या होता है, मुस्लिम लीग का एटीट्यूड देखने को मिलता है, पहले वो प्रो ब्रिटिश थी अब कांग्रेस के साथ मिल गई। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो टर्की को मदद करने से मना कर दिया था World War I में, और क्योंकि टर्की लड़ रहा था बाल्कन कंट्रीज है लातविया लिथुनिया ये सब और इटली क्या जैसे लड़ रहा था, और ब्रिटेन जो है टर्की को रिफ्यूज कर देता है मदद करने से। फिर बंगाल का जो पार्टीशन था जो मोटिवेट किए हुए था इनको, वो भी एनलमेंट हो गया था, खत्म कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था टू सेट अप यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, और जो गोल था सेल्फ गवर्नमेंट का वो सिमिलर था दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, जिसके कारण दोनों साथ में आते हैं। वही यंगर मुस्लिम्स कुछ लोग थे जो कि World War I के दौरान उन्हें सप्रेस कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि मौलाना आजाद का अल हिलाल था, मोहम्मद अली का कॉमरेड था, इन लोगों को सप्रेस कर दिया गया था।
तो इस तरह लखनऊ पार्ट पैक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि इट वॉज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखते हैं ये होम रूल लीग मूवमेंट का सेपरेशन कैसे करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट केम डाउन विद सीवियर रिप्रेशन स्पेशली इन मद्रास में, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को प्रोहिबिट कर दिया जाता कि वो कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे। तिलक को बोल दिया जाता कि आप पंजाब और दिल्ली एंटर नहीं कर सकते हो। वहीं जून 1917 में एनी बिसेंट और उनके जो एसोसिएट्स थे उनको घर में बंद कर दिया जाता इंटरनमेंट में बाय द गवर्नमेंट कि वो बाहर में दिख नहीं सकते, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं स्टार्ट, जैसे इन्हें पता चलता ऐसा हो गया एनी बिसेंट लोग के साथ और उनके एसोसिएट्स के साथ, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस अड्यार जो हेडक्वार्टर इनका वहां पहुंचना शुरू करते हैं। तिलक अपने फॉलोअर्स को बोलना शुरू करते हैं कि एक पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट करो ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया जा सके। इस वक्त गांधी जी तुम्हारे इंडिया आ गए होते हैं और गांधी जी बोलते हैं अपने फॉलोअर्स को कि पिटिशंस लिखो और थ्रेट करो ब्रिटिशर्स को कि अगर एनी बिसेंट और उनके एसोसिएट्स को छोड़ा नहीं गया तो वो लोग ह्यूज मासेस में पूरा पब्लिक को लेके मार्च करेंगे अप टू द प्रिजन। वो ही आल्सो रोट पिटीशन टू डिमांड होम रूल के लिए भी वो पिटीशन लिखते गांधी जी, और करीब करीब पूरा देश चल के गांव-गांव जाके गांधी जी और उनके फॉलोअर जो है 10 लाख फार्मर्स और पीजेंट से ये पिटीशन साइन करवाते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे गांधी को रोक ही नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट फेल्ड टू स्टॉप गांधी। इसी बीच गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चलो हम जो इंटर्नीज है इनको छोड़ देते हैं। लॉर्ड मॉन्टेग्यू इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में कि टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, कि धीरे धीरे करके एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन भारत में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को जवाबदेही हो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसी को कहा जाता है, ऑफ इंडिया लाया जा सके भारत। लेकिन ये इंट्रोड्यूस करने का कोई बेस, कोई भी टाइमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये डिसाइड जो है वो सिर्फ ब्रिटिश ही करे, कोई टाइमिंग देती नहीं। प्लस इन्होंने ये भी कमेंट करते हैं यहाँ पे लॉर्ड मॉन्टेग्यू हाउस ऑफ कॉमन्स में कि शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स। वो बोलते हैं कि शिवा अपनी वाइफ को 52 भाग में बांट काट दिए थे ताकि ये डिस्कवर करने के लिए कि उनके पास 52 वाइफ्स थी। और यही होता है जब इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट मिस एनी बिसेंट को बंद कर देगी तो बहुत सारे पॉलिटिकल इमर्ज होके आते हैं, जैसे कि गांधी एंड तिलक के लोग, और एनी बिसेंट को छोड़ दिया जाता है फाइनली सितंबर 1917 में। और इसके बाद जो होता है एजिटेशन जो था होम रूल लीग मूवमेंट का वो फेड आउट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो कुछ रीजन है जिसके कारण ये जो एजिटेशन था दैट फेडेड आउट बाय 1919, देखते हैं क्या रीजन। सबसे पहले कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, दूसरा बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हो रहा था 1917-1918 में, तो मूवमेंट तो यूनिटी है ही नहीं, तो मूवमेंट कहाँ से चलेगा। फिर कुछ मॉडरेट्स जो ज्वाइन किए थे इस मूवमेंट को, ये लोग खुश हो गए थे बाय द अनाउंसमेंट ऑफ मॉन्टेग्यूज स्टेटमेंट, वो जो बोले थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला, और बिसेंट को छोड़ भी दिया गया था, तो इससे मॉडरेट्स खुश होकर छोड़ देते हैं डिमांड करना। फिर जो टॉक ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बाय एक्सट्रीमिस्ट केप्ट मॉडरेट्स अवे फ्रॉम एक्टिविटी, प्लस मॉडरेट्स दूर हो जाते हैं इस एक्टिविटी से क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे तिलक के अंदर वो लोग पैसिव रेजिस्टेंस का डिमांड कर रहे थे। एनी बिसेंट खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये जो अनाउंसमेंट किया मॉन्टेग्यू ने कि वो देंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकिन टाइमिंग जो ब्रिटिश के ऊपर छोड़ दो, तो उस अनाउंसमेंट के बाद एनी बिसेंट क्या करे उनके खुद समझ में नहीं आ रहा। और इस वक्त गांधी का जो फ्रेश अप्रोच था ये स्ट्रगल को, वो पीपल को बहुत लुभावदार लग रहा था, पीपल वेयर कैचिंग द इमेजिनेशन ऑफ गांधी। इसी बीच क्या होता है, तिलक को 1918 में अब्रॉड लंदन जाना होता है एक केस के अगेंस्ट। एक वैलेंटाइन कैरोल नामक व्यक्ति एक बुक लिखते हैं इंडियन अनरेस्ट, और इस बुक में वैलेंटाइन कैरोल लिखते हैं कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और तिलक जो है डिफेमेशन केस कर दिए थे तुम्हारा वैलेंटाइन कैरोल के लिए। भले ही वो ये केस लंदन में हार जाते हैं तिलक, और जब तक ये वापस आते हैं भारत तब तक मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। इसी बीच इन 1920 गांधी जो है फाइनली प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट करते हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रेसिडेंट बनते हैं, और उनका ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर देते गांधी।
लेकिन बाद में ये जो होम रूल लीग था ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है नेक्स्ट ईयर, और होम रूल मूवमेंट जो है वो फाइनली क्या कर देती है, लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं, जो मासेस हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देती है ताकि गांधी के पॉलिसीज जो है जब इम्प्लीमेंट हो गांधीयन स्टाइल में वो मासेस तक पहुंच सके। इसी बीच फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस होता है ताकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दिया जा सके, जो मॉन्टेग्यू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, डायरकी इंट्रोड्यूस हो जाता है प्रोविंसेस में। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स का रूल, एंड द गवर्नर टू बी एग्जीक्यूटिव हेड ऑन द प्रोविंस। प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब स्टेट में जैसे है वैसा उसको एक्सपेंड किया जाएगा। सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस 1909 में ही हो गया था, यहाँ पे उसे एक्सपेंड किया जाता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे वो 1909 में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे वीमेन, सिख, ये क्रिश्चियंस, ये लोग के लिए भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। गवर्नर जो है वो कोई भी बिल को वीटो पावर कर सकते थे और इश्यू कर सकते थे ऑर्डिनेंसेस। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिजेक्ट कर सकती थी बजट को, लेकिन गवर्नर जो है उसको अपना वीटो पावर यूज करके रिस्टोर कर सकते थे। जो लेजिस्लेटर्स होंगे जो सिलेक्ट होकर जाएंगे लेजिस्लेचर में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंजॉय किया करते थे। जो गवर्नर जनरल है ही कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, 35 बिल्स रिजेक्ट बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर। एक बाइकैमरल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। बाइकैमरल क्या होता है अरेंजमेंट, कि एक लोअर हाउस होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका 3 साल का टेन्योर होगा, और एक अपर हाउस होगा, मतलब वैसे आज लोकसभा है और एक राज्यसभा है। एक राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। तो ये क्या है, बाइकैमरल टाइप है। तो ऐसा बाइकैमरल इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन 75% ऑफ द बजट का जो पार्ट था वो नॉन वोटेबल था बाय द लेजिस्लेचर्स। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो पे आउट होंगे फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेंज, अब ब्रिटिश ट्रेजरी से उनका पेमेंट होगा। तो ये कुछ रिफॉर्म्स आए थे, ये जस्ट एक एज ए लॉलीपॉप दिया गया था मॉडरेट्स। तो ड्रॉबैक्स क्या कह सकते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के, कि वोटिंग फ्रेंचाइजी जो था वो काफी लिमिटेड था, जो इलेक्टेड मेजोरिटी आता भी तो लेकिन सारे लोग भारत के वोट नहीं कर सकते थे, केवल कुछ लोग ही लेस देन 1% आई थिंक वोट कर सकते थे यहाँ पे। तो द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेचर कुछ भी बिल बुल रहा है उसके ऊपर वीटो पावर वाइसरॉय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो क्या फायदा लेजिस्लेचर का जब वाइसरॉय के अंदर ही अल्टीमेट डिसीजन सब कुछ है, पावर है। फिर जो डायरेक्टी का सिस्टम प्रोविंस में दिया गया था वो इरेशनल था, कोई मतलब उसका था नहीं इंट्रोड्यूस करने का। वहीं प्रोविंसियल मिनिस्टर्स जो थे उनका कोई कंट्रोल नहीं था ओवर द फाइनेंसेस एंड ब्यूरोक्रेट्स, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला भारतीयों को सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे, और होम रूलिंग मूवमेंट भी बंद हो गया। अगस्त 1918 में कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है बॉम्बे में, तो दिस सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय हसन इमाम। यहाँ पे कांग्रेस ये डिक्लेयर कर देती कि जो रिफॉर्म्स आया है तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, 1919, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग था एज वेल एज अनसेटिस्फैक्ट्री था। और यहाँ पे डिमांड करते हैं इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट का कांग्रेस। तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ उसे तिलक बोलते हैं कि दैट वॉज इट वॉज अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, ए सनलेस डॉन बोलते हैं तिलक। एनी बेसेंट भी बोलती है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स था दैट वाज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू। सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमरजेंस ऑफ गांधी और उसके बाद गांधीयन फेज, लास्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।